तीसरी चीज जो हमें चेंज करनी चाहिए न्यू ईयर के उपलक्ष्य में वो है चेंज ऑफ एटीट्यूड. हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए. लाइफ में सारा खेल एटीट्यूड का है. अच्छे खासे अच्छे स्किलफुल लोग, बहुत घमासान लोग, इंटेलिजेंट लोग इतना बढ़िया करते हैं, अरे लेकिन कंपनी में सबसे बढ़िया स्कैम भी वही करते हैं क्योंकि दिमाग तो पूरा पूरा दिया है लेकिन एटीट्यूड है घटिया. पूरी कंपनी लेट डूबा. लाइक देयर इज वन पर्सन, ही रोट बुक 101 वेज ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी इन अ लेजिटिमेट वे. वाह, संवैधानिक तरीके से काले पैसे को सफेद पैसे में कन्वर्ट करें. कितने तरीके? सिर्फ 101 तरीके. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना वो तो भाई सिस्टम की आत्मा में घुसा हुआ है ना, ही नोज. लल्लो जी, हो गया काम. एटीट्यूड खराब, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए. लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया इंडिया के अंदर, तो इंडिया में ना उसने देखा कि ना एक भिक्षुक है बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा है, भगवान का नाम ले रहा है. तो अपने मंत्री को भेजा, जाके इसको बोलो मेरे आगे सर झुकाए. जी जहाँ पना वो आ गया. अरे भाई साहब वो भिक्षुक सर झुका, देख तेरे सामने कौन आया है. कहते कौन आया है? अलेक्जेंडर द ग्रेट. इसके आगे सर झुका. कहते मैं इसके आगे सर क्यों झुकाऊं? क्योंकि ये पूरी दुनिया का मालिक है, इसीलिए. अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, कहते ये बकवास क्यों कर रहा है, क्या हो गया क्या वैसे? ए तेरे समझ नहीं आया क्या क्या बोल रहा है ये? मेरे आगे सर झुकाने को बोल रहा है ना, झुका. लेकिन क्यों झुकाऊं? तो उसने बोला मैं विश्व सम्राट हूं, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसीलिए. तो भिक्षु बोला असल में ना मैं तेरा सेवक नहीं हूं, तू मेरे सेवक का सेवक है. ते एक्सक्यूज मी, मैं कैसे आपके सेवक का सेवक हो गया? इसे बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय योर माइंड एंड आई एम कंट्रोलिंग द माइंड. सो माय सर्वेंट इज माइंड एंड यू आर सर्वेंट ऑफ माय सर्वेंट, यू आर सर्वेंट ऑफ द माइंड. सो दैट्स व्हाई यू शुड पे दंडवत टू मी. मेरे को प्रणाम तू कर, मैं करूं तेरे को प्रणाम. इससे एटीट्यूड चेंज हो गया अलेक्जेंडर का. यार बात तो बिल्कुल सही है. सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री. खुद को जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है. दुनिया को जीतना आसान है, लोग कर लेते हैं. सेना के दम पे, पॉलिटिक्स के दम पे, डिप्लोमेसी के दम पे विश्व को जीता जा सकता है. लेकिन खुद को जीतना, वाओ, दैट इज रियली टफ. तो यहाँ पर अलेक्जेंडर को पता लगा, नहीं जी ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, खुद को जीतना. या दुर्योधन का भी एटीट्यूड चेंज हुआ. अब जब महाभारत वॉर चल रही थी ना, उस वक्त दुर्योधन ने कहा हमारे सारे लोग मरे जा रहे हैं यार, हमारे पास 11 यूनिट आर्मी है, पांडवों की यहाँ पर सिर्फ 7 यूनिट आर्मी है. हम लोग बढ़कर हैं, हम 100 हैं, वो 5 हैं, और हमारे पास कौन कौन है? भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं. मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को क्या बताया गया? इनको बताया गया तिमिंगला. जयदेव तिमिंगला फिश. तिमिंगला फिश का मतलब क्या होता है? एक फिश होती है, उसका नाम होता है तिमी, जो होती है 800 मील बाय 800 मील. कितनी? 800 मील बाय 800 मील. उसको बोलते हैं तिमी. जो तिमी नाम की मछली को, जो कितनी बड़ी है, अपने गले में रख के घूमती है, उसको बोलते हैं तिमिंगला. वो थे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह. तो भीष्म पितामह बोला वैसे तो ना मैं अकेला, तुम सब अगर घर चले जाओ, अगर मैं अकेला सारे पांडवों को हरा सकता हूँ. दुर्योधन बोला तो कर दो ना फिर, ये तो ये क्या ड्रामा का चल रहा है ये. तो भीष्म पितामह ने बोला लेकिन ना सारा जो गेम चेंजर है ना एक व्यक्ति है जो कि उस साइड में है, और क्योंकि वो उस साइड में ना, अगर वो पांडव हमारी साइड भी अगर आ जाते हैं, दैट मीन पांडव और कौरव मिल भी जाए अगर ना, देन वी कैनॉट डिफीट दैट पर्सन. दुर्योधन बोला ऐसा कौन सा पैदा हो गया जी महाभारत के अंदर, ऐसा कौन सा चिलगोजा है? बड़ा चिलगोजा नहीं है वो, ये तो सारथी है ना अर्जुन का. दुर्योधन बोला वो ग्वाला, वो खेल खेल रहा है. भीष्म पितामह ने कहा हाँ जी बेटे लाल, सारा खेल वही खेल रहा है. इसलिए जब तक वो उस पार्टी में है ना, अगर तेरी सेना का एक एक सैनिक बिकम्स भीष्म पितामह, ईच एंड एवरी सोल्जर बिकम्स भीष्म पितामह, इवन देन यू विल गेट डिफीटेड, बिकॉज ऑन दैट साइड इज वन वेरी स्पेशल पर्सन, नाम है उनका कृष्णा, और परम भगवान है. उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई, स्लाइड शो पूरा प्रॉपर और दिखाया, ठीक है दुर्योधन हियर इज हु इज गॉड, हु इज गॉड की प्रेजेंटेशन दी, सो 2-2.5 घंटे की. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके तो दुर्योधन ने उड़ी, बाबा ये वो है क्या? हाँ जी ये वो है, ये
पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि दुर्योधन का एटीट्यूड चेंज हुआ। दुर्योधन रात को सोया तो दंडवत करके सोया। जी वो जी उस पार्टी में जो है वो व्यक्ति जो सारथी बने हुए हैं, लीला कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उनको मेरा शत नमन। पहली बार दुर्योधन जो है इस तरह से सोया, प्रणाम करके सोया। एटीट्यूड चेंज। महाभारत में एक और एग्जांपल आता है एटीट्यूड चेंज का। गांधारी सब जानते हैं, गांधारी वाज वेरी एंग्री, मेरे पुत्रों का वध हुआ है, मृत्यु हुई है तो उस कृष्ण की वजह से हुई है। ये गांधारी का हाल था। तो गांधारी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार से मेरे कुल का नाश हुआ है मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके कुल का विनाश हो जाए। भगवान के ऊपर तो श्राप का असर होता नहीं। फिर ही भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, नो डाउट, लेकिन उद्धव जी को फिर भी छोड़ दिया कि हम श्राप में नहीं आते। लेकिन क्यों श्राप दिया गांधारी ने, पुत्र से बड़ी आ सकती है इसकी ना, इसको इसका इस एटीट्यूड से, इस एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे। ओके, अब गांधारी, अब ये जो गांधारी थी, गांधारी गई कुरुक्षेत्र हुए, वहां रोना शुरू कर दिया, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन, रोना धोना चालू कर दिया, रोती रही। और फिर रोते रोते ऐसे रात हो गई, उठी तो बहुत भूख लगी उसको, भूख लगी है कुछ खाने को, कुरुक्षेत्र में क्या खाएंगी। उसने पेड़ देखा, पेड़ था, पेड़ उगा हुआ था, उसमें पेड़ में आम थे, अरे आम, तो आम तोड़ना चाहिए, लेकिन आम थोड़ा सा ऊपर था तो आम हाथ में आ नहीं रहा था, तो बगल से एक डेड बॉडी खींची, उसके ऊपर चढ़ी और फिर आम तोड़ना चाहिए, फिर आम थोड़ा और ऊपर हो गया, फिर डेड बॉडी के ऊपर फिर एक और डेड बॉडी रखी, फिर हाथ, फिर छलांग मार के तोड़ना चाहिए लेकिन आम हाथ नहीं आ रहा, फिर उसको एक और डेड बॉडी रखी। ऐसे करते करते सुबह के 4:30 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ऐसे टीला बना करके फाइनली उसने आम तोड़ लिया और वहीं की वहीं बैठ गई, वहीं की उसको चुप करके खानी पड़ी, यहाँ यहाँ आम यहाँ लगा हुआ है, यहाँ गिरा हुआ है। तो भगवान कृष्ण आए, क्या गांधारी क्या कर रही हो, पूरा आम आम लगे हुए चेहरे पे, आम हाथ में गिठली है, चुपा हुआ आम है, फाड़ियाँ उसकी मेरी, आम खा रही हूँ, भूख लगे थे मेरा को। अच्छा आम खा रही है, कहाँ कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर तू आम खा रही है इस तरह से, रेस्टोरेंट। नीचे देखा, अपने 100 पुत्रों की लाश के ऊपर बैठ करके आम खा रही थी। भगवान कृष्ण बोला, ये इसी पुत्र, इन्हीं पुत्रों के मुँह में आकर तूने मुझे श्राप दिया था, राइट, तो ये है तेरा मोह, इतना मोह है, इतना प्यार है कि उन्हीं की डेड बॉडीज पर बैठ के तू आम खा रही है। तू भगवान ने एक्सपोज कर दिया कि वास्तव में दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, अल्टीमेटली सब खुद से प्यार करते हैं। दैट्स इट, वजह बोलते ना आई लव यू टू, इसका मतलब ये होता है आई लव यू मीन्स मैं तुम्हारा शोषण करूंगा, आर यू रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड, आई लव यू। और दूसरा व्यक्ति बोलते आई एम ऑल रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बट यू शुड ऑल्सो बी रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड, आर यू रेडी, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू टू, आर यू रेडी टू गेट म्यूचुअली एक्सप्लॉइटेड, आई लव यू। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। जब तक मेरी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं सामने व्यक्ति से, प्यार 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 इश्क और मोहब्बत, यस लेट्स एक्सप्लॉइट ईच अदर, आई लव यू टू। एक्सपोज करके रख दिया भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के प्यार को कि देख ये है तेरा पुत्रों से प्यार, भूख लगी तो उनके ऊपर बैठ के आम खाना चालू, हाँ रत्नागिरी के अल्फांसो मांगो। भगवान ने कहा तू ये सोच कुरुक्षेत्र की भूमि में आम कैसे उग जाएगा, तो उसको पता लगा ये सारी कृष्ण की माया है वास्तव में। यस, भगवान कृष्ण माया रचते हैं इस प्रकार से बुद्धि देने के लिए, देख मोह से निकालने के लिए, मोह में डालने वाले भी अल्टीमेटली वही हैं और निकालने वाले भी फिर वही हैं, प्रोवाइडेड हम उनकी शरण में जाएं। यस, उनसे विमुख हो जाएंगे ना देन वी गेट इल्यूजन, लेकिन उनके सम्मुख हो जाएंगे देन यस देन वी आर नॉर्मल। जैसे आप देखा सूरज की ओर देखो, सूरज की ओर देखने के बाद अगर आप पलट लेते हो ना तो आपको ऐसे कुछ इमेजेस नजर आती है, लाल पीली हरी नीली, यू नो लाल सर्कल पीले सर्कल लाल, देखा आपने किस किसने देखा है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट्स।
राइट। पर क्या वहां पर होते हैं सर्कल ऐसे होते हैं लाल पीले नीले हो जो होते हैं, लेकिन वो दिखते हैं राइट। इल्यूजन, इल्यूजन कब आएगा जब भगवान से विमुख होंगे ना तो इल्यूजन नजर आएगा, लेकिन जब तक भगवान के सम्मुख रहेंगे नो इल्यूजन। तो इसी तरह से भगवान ने एटीट्यूड चेंज किया। यस, कभी कभी एटीट्यूड ऐसा चेंज होता है, कभी कभी इट कम्स लाइक अ जॉल्ट। जैसे कैकेयी जो थी उनको लगा था अरे मैंने तो अपने बेटे के लिए कृष्ण को राम को भेज दिया वनवास के लिए और अब मेरा बेटा करेगा अयोध्या पे राज। यस, उसके बाद भरत ने जो वाट लगाई ना कैकेयी की, अरे कैकेयी का एटीट्यूड ना उसी दिन आधे घंटे के अंदर ठीक कर दिया था, आधे घंटे का कुछ मिनटों में ठीक कर दिया। एटीट्यूड चेंज, पूरा चेंज, एटीट्यूड चेंजेस। समटाइम्स एटीट्यूड चेंजेस बिकॉज ऑफ नॉलेज, ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान की वजह से एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे एक माता जी थी, उन्होंने ना पीएचडी कर रखी थी, मतलब थीसिस तैयार है उनकी, पीएचडी इन एथियज्म, नास्तिकता में पीएचडी उनकी हो रखी है, जाके सबमिट करना है, डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। निरीश्वरवाद, ऑफेंसिव एथियज्म, डिफेंसिव एथियज्म, साइंटिफिक एथियज्म, सब कवर्ड एथियज्म, सब प्रकार के एथियज्म के चैप्टर उन्होंने पूरे कर दिए, थीसिस वुड बी सबमिटेड, पीएचडी की डिग्री मेरे हाथ में, मैं हूं डॉक्टर इन निरीश्वरवाद, फरवरी में बस सबमिट करनी है और मेरी पीएचडी की डिग्री मेरे पास। दिसंबर का महीना आ गया जी, दिसंबर के महीने में डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भगवत गीता। एक डिवोटी ने सड़क पे उनको पकड़ा दी भगवत गीता, कहते मैडम भगवत गीता फॉर यू। और उसको लगा वैसे तो मेरी थीसिस पूरी हो चुकी है, शायद एक आध चैप्टर इसमें से भी मिल जाए, तो उन्होंने वो भगवत गीता ले ली। उसके बाद माता जी ने भगवत गीता पढ़ी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीन चैप्टर पढ़ने के बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड में ली अपनी थीसिस, राइट हैंड में लिया लाइटर और दोनों का मिलन कराया, यानी सारी थीसिस हो गई सुआहा आहा। उसके बाद माता जी ने कंटिन्यू किया भगवत गीता पूरा पढ़ा, रात भर बैठ के पढ़ाई की, शी बिकेम अ डिवोटी एंड करंटली शी इज एन इनिशिएटेड डिसाइपल, 16 माला करने वाली इनिशिएटेड डिवोटी। पर एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ, भगवत गीता के तीन चैप्टर पढ़ करके एटीट्यूड चेंज। तो कभी कभी नॉलेज से भी एटीट्यूड चेंज होता है, तो एटीट्यूड चेंज करना भी जरूरी है राइट। आप जो भी बदलाव का प्रण लेते ना, ओके नया साल है 2023, हम अपने आप को बदलेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप खुद को बदलना जो चाहते हैं, आपके बदलाव की अल्टीमेटली चरम सीमा क्या है, कि मैं बदल करके ये बनूंगा या ये बनूंगी, ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप 2, कितने समय में अपने आप को बदलना है मेरे को, वो टाइम भी डिफाइन होना चाहिए। हाँ हम खुद को बदलेंगे 100 साल में, ले क्या भाई। सो टाइम शुड ऑल्सो बी डिफाइन कि यहां तक पहुंचना है, इतने समय में पहुंचना है। फिर स्टेप 3 आता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि मैं क्या क्या करूंगा या करूंगी खुद को बदलने के लिए, दैट इज स्टेप 3। फिर स्टेप 4, यानी उन स्टेप्स को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करते हम भूल जाते हैं कभी कभी, फिर देयर शुड बी सम डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स, अपने आपको कुछ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स दीजिए कि ये मुझे करना है, रिमाइंडर्स। फॉर एग्जाम्पल अपनी घड़ी ना आप लेफ्ट हैंड से के बजाय राइट हैंड में पहन लीजिए, तो लेकिन आदत क्या है देखने के टाइम को लेफ्ट हैंड में, जैसे ऐसे देखें अरे घड़ी घड़ी, तो हर बार जब ये करेंगे इट विल बी अ रिमाइंडर खुद पे काम करना है। जहां वाला आपने गाड़ी पार्क की हुई है ना, उसके आगे ना एक ईंट का एक रेलिंग बना दीजिए जिसको पार करके गाड़ी जाएगी, तो गाड़ी हमेशा जाएगी तो ठक ठक करके एक बार जाएगी, भाई ये ईंट का ये हमने जो बनाया है ना बॉर्डर, इट इज मी टू रिमाइंड, इट इज अ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। जब कभी आप अपने कार्य करने में विफल होंगे, आपको एक 100 का नोट लेना है, उसको जलाना है, ओह गॉड पैसा जलाना है, बिल्कुल नहीं, इससे बड़े सुधर जाओ भाई, डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स। तो इस तरह से ये, एंड देन उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, स्टेप 5, रिव्यू करना चाहिए कि हमने कहां कहां गलतियां की। उसके बाद फिर से स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, हां जी क्या मुझे कहां पहुंचना है, स्टेप 2, हाँ टाइम डिफाइन करना चाहिए, मुझे बदलना है लेकिन कितने समय बदलना है, स्टेप 3, वो चौथा है मैडम जी, एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेक, यस। फिर स्टेप 4,
रिमाइंडर्स कैसे होने चाहिए? रिमाइंडर्स डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स होने चाहिए. यस. स्टेप 5 रिव्यू. यस. उसके बाद फिर से स्टेप 1. इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके अपने अंदर चेंज लेकर आ पाते हैं.